हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे जमजम बिरयानी। इसे बनाने में काफ़ी वक्त लगता है लेकिन ये काफ़ी डिलीशियस होती है खाने में, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। जमजम बिरयानी में बहुत सारी चीज़ें जाती है जिसमें से एक है सीख। तो सीख बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम कीमा है, ये मटन मिंस। इसमें मैं एग वाइट डालूँगी, पूरा एक का नहीं डालना है आपको, आधे अंडे का वाइट डालना है। इसमें कुछ प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, ये गार्लिक और चिली का पेस्ट है यानी लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, ये एक चम्मच जाएगा इसमें। इसके अलावा इसमें जाएगा आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, ज़रा सा नींबू का रस, और इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट एज पर टेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और इसे कम से कम हाफ एन आवर के लिए हम साइड में रख लेंगे। हमने जो सीख बनाने के लिए कीमा रेडी किया था उसको हमने क्यूअर में डाल के नॉनस्टिक पैन पर रख लिया है, और इसे हम दोनों साइड से अच्छी तरह से पकाएंगे और निकाल लेंगे। और अगर आपके पास तंदूर है तो आप इसे तंदूर में भी पका सकते हैं। बिरयानी राइस बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में हमने अराउंड 3 लीटर जितना पानी लिया है, और उसमें मैं ऐड करूँगी एक तेज़पत्ता, 8 से 10 लौंग, एक दालचीनी की स्टिक, 5 से 6 हरी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, साबुत काली मिर्च है ये, और 1.5 चम्मच शाही जीरा। शाही जीरा ना हो तो आप सादा जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच घी, सॉल्ट ऐड कर लेंगे एज पर टेस्ट, पानी में जब बहुत अच्छे से बॉईल आ जाए तो उसमें आप ऐड करेंगे बासमती राइस। ये मैंने 2 ग्लास बासमती राइस को तकरीबन आधे घंटे तक भिगो के रखा हुआ था। इसे पकाएंगे, इसे भी हमने पूरी तरह से नहीं पकाना है, इसे भी हम 80% इतना कुक करेंगे और बाकी 20% ये दम में गल जाएगा। हमारे चावल 80% जितने कुक हो चुके हैं, इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। जमजम बिरयानी की इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 1/2 kg मटन लिया है, और देख सकते हैं आप इसे मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। आप प्रेशर कुकर में मटन लीजिए, उसके अंदर आप डालिए अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ हरी मिर्ची और सॉल्ट, और इसे प्रेशर कुक कर लीजिए कम से कम 2 से 3 विसल, या तो ये 80% जितना कुक हो उतना। पूरी तरह से नहीं गलाना है हमें, थोड़ा सा कच्चा रखना है इसे। तो ये मटन है, बॉइल्ड मटन, चिकन है ये रॉ है, ये 300 ग्राम लिया है मैंने। इसके अलावा मैंने आलू लिया है जिसको मैंने क्यूब्स में कट करके फ्राई करके रखा हुआ है। 3 अंडे हैं, ये बॉइल्ड है, और एक बड़ा प्याज था जिसको स्लाइस करके मैंने फ्राई किया हुआ है। इसके अलावा ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए, 1 कप दही लिया हुआ है, मेक श्योर वो गाढ़ा दही हो, पानी जितना कम रख सकें। 3 प्याज है बारीक कटे हुए, साबुत मसाले में आपको चाहिए होगा 8 से 10 लौंग है, 5 से 7 हरी इलायची है, 1 तेज़पत्ता है, दालचीनी की स्टिक है ये, उसके अलावा ये कसूरी मेथी है, ये अराउंड 3 टीस्पून ली है मैंने। सॉल्ट लगेगा आपको एज पर टेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 2 चम्मच, घी लगेगा आपको 2 से 3 चम्मच, ये ग्रीन चिली पेस्ट है, और ये है मैंने लिया कुछ अराउंड 2 टीस्पून, ये रोज़ वाटर है जिसको मैंने येलो फूड कलर में मिक्स करके रखा हुआ है। उसके अलावा सूखे मसाले में आपको लगेंगे 3 से 4 चम्मच धनिया पाउडर है, 1.5 चम्मच जीरा पाउडर है, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है मैंने क्योंकि इसका कलर हमें ज़्यादा येलो नहीं रखना है, 1/2 चम्मच है जावित्री का पाउडर, 1/2 चम्मच है जायफल का पाउडर, और इसे बनाने के लिए हमें लगेगा ऑयल। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है हमने, गर्म हो चुका है, इसमें जो साबुत मसाले थे वो डाल देंगे। साबुत मसाले डालने के 1 मिनट बाद इसमें हम प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज तो हमने गोल्डन ब्राउन होने जितना पकाना है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, ग्रीन चिली पेस्ट, सारे जो सूखे मसाले थे वो,
और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर आपका मसाला ड्राई है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए और मिक्स कीजिए। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और इसमें ऐड करेंगे टमाटर, साथ ही में ऐड कर लेंगे कसूरी मेथी। अब ऐड करेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट और टमाटर को पूरी तरह से गलने जितना पकाएंगे। टमाटर भी हमारे पूरी तरह से गल चुके हैं, इसमें हम अब चिकन ऐड कर लेंगे। और चिकन को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका कलर चेंज होने जितना हम वेट करेंगे अराउंड 5 to 7 minutes। और एक बार जब चिकन का कलर थोड़ा पिंक से वाइट हो जाएगा उस पॉइंट पर हम इसमें हमारा बॉइल्ड मटन जो है वो ऐड कर लेंगे। तो फ्लेम को रखते हैं स्लो से मीडियम के बीच में और इसे वाइट होने देते हैं थोड़ा सा। चिकन का कलर चेंज हो चुका है, इस पॉइंट में हम ऐड कर लेंगे जो हमारा बॉइल्ड मटन था और जो दही हमने रखी थी वो। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। और इसमें अब ऐड करेंगे हमारा मटन का स्टॉक, जो मटन बॉईल करते वक्त हमारा पानी बचा था उसमें से हम अराउंड 1 cup जितना पानी इसमें ऐड कर लेंगे। और फ्लेम को मीडियम पे रख के इसे ढककर कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे। उस बीच में हमारा जो चिकन भी है वो भी कम्प्लीटली गल चुका होगा और मटन ऑलमोस्ट हमारा कुक था वो भी पूरी तरह से पक जाएगा। ग्रेवी का जो एक्सेस मॉइस्चर था वो सूख चुका है और हमारा मटन और चिकन दोनों पूरी तरह से गल चुका है, इसे फ्लेम से बंद कर लेंगे। बिरयानी के दम के लिए एक लेयर राइस हमने ऑलरेडी लगा लिया है, इस पर हम ऐड करेंगे हमारा जो रोज़ वाटर था जिसको हमने फूड कलर के साथ मिक्स किया था, इसमें ग्रेवी ऐड कर लेंगे। आलू ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके ऑलरेडी रखे हुए थे। हमने इसे ग्रेवी में इसलिए मिक्स नहीं किया क्योंकि इसे मिक्स करने के बाद ये पूरी तरह से टूट जाते हैं और आपको मिलते नहीं हैं, तो ऐसे ये इंटैक्ट रहेंगे। गार्निशिंग के लिए जो फ्राइड अनियंस हमने लिए थे, इसके बाद दोबारा से राइस के लेयर लगा लेंगे। टॉप के लेयर में हमने जो बॉइल्ड एग लिए थे वो रख लेंगे, फ्राइड अनियंस, जो सीख हमने बनाया था, एक चम्मच घी ऐड कर लेंगे ऊपर से। इसे ढककर इसके ऊपर कोई वेट रखकर या तो फिर आप इसके ढक्कन को पेपर टॉवल से रैप कर सकते हैं और इसे दम दे देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट आप फ्लेम को हाई रखेंगे, उसके बाद आप फ्लेम को स्लो करके इसको दम दे देंगे। तो आइए इसे दम दे देते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें अच्छे से स्टीम आ चुका है, ये दम हो चुकी है, इसे डिश आउट कर लेंगे। रेडी है हमारी जमजम बिरयानी, इसे ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।